कानपुर देहात की झिझक कस्बे के आदर्श रामलीला मंडल द्वारा रामलीला का आयोजन बीआरसी मैदान में आयोजित कराया जाता है। रामलीला मैदान में सर्वप्रथम गणेश पूजन कर जिसके बाद रामलीला का शुभारंभ नगर परिषद अध्यक्ष संतोष त्रिपाठी के द्वारा किया गया है। रामलीला के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि रामलीला के माध्यम से लोगों को अपनी धर्म संस्कृति को बनाए रखने की प्रेरणा मिलती है। पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है उस प्रभाव से बचाने के लिए भगवान श्री राम आदर्श हैं, जो रामलीला के माध्यम से जीवंत बने रहते हैं। रामकथा आज के बदलते परिवेश में संजीवनी बूटी है, इसलिए इसका श्रवण करना जी परम कल्याणकारी है। रामलीला कार्यक्रम की सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। आज गणेश पूजन था। कोरोना काल के कारण बहुत ही सादगीपूर्ण आज का ये गणेश पूजन संपन्न हुआ है, और जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइन प्राप्त हुई है उस गाइडलाइन के अनुसार ये कोशिश है आदर्श रामलीला व्यापारिक मंडल कमेटी की कि समस्त गाइडलाइन का पालन करें और इस कार्यक्रम को पूर्ण करें। कानपुर से रजा मोहम्मद की रिपोर्ट।